सो गाइस फाइनली अभी ना बहुत रात हो रही है और मतलब बहुत इन द सेंस भाई 11:15 का टाइम हो रहा है यानी है, बट मैं स्नो में जा रहा हूँ तो भाई 4x4 गाड़ी तो होनी चाहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है फिलहाल, आपको पता ही है आपका भाई ऑफिस जा रहा है। जी हाँ डेफिनेटली, बट भाई सीरियसली यार मतलब ना क्या ही बोलूं भाई, इट इज लक भाई। देखो अभी हमने मनाली का ट्रिप करा था, ठीक है यार अपने को स्नो मिला, बट एक्चुअल स्नोफॉल अब हो रहा है भाई। अभी मैं वापस से यार सोच रहा हूँ कि यार ट्रिप प्लान करें, बट यार पता है क्या, अभी 2-3 ट्रिप्स बैक टू बैक करके ना थोड़ा प्रेशर हो गया है, वर्कलोड है यार, तो वर्कलोड में यार यू नो ट्रैवल मैनेज करना नॉट पॉसिबल भाई। बट देखते हैं कैसे भी, फिलहाल तो अपना एक दो यहाँ पर अभी सूरजकुंड मेला है तो वहाँ पर भी विजिट करेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे, मेले को आपको भी दिखाएंगे और देखते हैं यार फिर ट्रैवल का है ना, कुछ तो प्लान करना पड़ेगा भाई। वीकेंड आ रहा है तो कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। सो भाई एक छोटा सा ना काम और है भाई, देखो मॉर्निंग में काम वगैरह होते ही है यार। अब देखो रात को यहाँ से काम फिनिश करके गए थे, अब भाई सुबह फिर काम निकला है यार। एक ना अपने ना वॉशरूम में, ऑफिस के वॉशरूम में छोटा सा लीकेज का इशू चल रहा था काफ़ी टाइम से ना, तो अभी वो रेक्टिफाई हुआ है, तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन का वहाँ पर फिर काम होना है ना, रिपेयर वगैरह का वर्क होना है। तो अभी फ़िलहाल चलेंगे, एक भैया हैं अपने नोन है तो उनसे यार अपने को टाइल पिक करनी है, टाइल का 2 बॉक्स पिक करने हैं ना, वो छोटे से बॉक्स में पीछे रख लेंगे गाड़ी में, तो वो चेंज कराने पड़ेंगे यार, क्योंकि जब देखो वो रिपेयर हो रही है वॉशरूम में तो टाइल वगैरह तो ब्रेक होती ही है भाई, तो ये एक छोटा सा इशू है, कोई बात नहीं करेंगे है ना। तो गाइस अपने को चलना है इस साइड, देख रहे हो है ना भाई। कई बार क्या, एक्चुअली बहुत बार ना यार देखो फोन कॉल से भाई बहुत काम खराब होता है। अभी देखो जिस चीज़ के लिए गए थे ना भाई वो अभी कंप्लीट हुई नहीं अपनी, क्योंकि अपने को जो एग्जैक्टली चाहिए था ना वो नहीं मिला भाई। टाइल्स का यार ऐसे ही पंगा रहता है ना। अभी भैया ने बोला है कि यार संडे को आ जाएगा, मंगा लेंगे भैया, तो संडे तक का वेट करना पड़ेगा अपने को, बट वीकेंड का पता नहीं यार यहाँ पर होंगे नहीं होंगे क्या होगा, तो एनीवेज देखते हैं भाई, जो भी होगा जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। फिलहाल के लिए यार काफ़ी ज़्यादा यू नो ऑलमोस्ट 90% डिस्टेंस ख़त्म ही हो गया, अभी ऑफिस पहुंचने वाले, और ऑफिस पहुंच कर तो भाई जो आपको पता है ना रेल बनती है भाई बिल्कुल ही ना, मतलब कितनी बार भाई मैं बहुत बार ये सोच के जाता हूँ कि यार ऑफिस पहुँच के ना मैं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत व्लॉग करूँगा, या फिर यू नो कई बार एडिटिंग का कुछ काम पेंडिंग होता है तो सोचता हूँ कि वहाँ पर जाके बीच में थोड़ा गैप अप लेके कर लूँगा, बट भाई बिल्कुल नहीं हो पाता यार, सीरियसली बताऊँ भाई बिल्कुल नहीं हो पाता। आपको ना पता ही नहीं चलता भाई ऑफिस पहुँच के ना कि कब भाई लंच हो जाता है, लंच के बाद भाई फिर सीधा इवनिंग टाइम ही हो जाता है यार, फिर इवनिंग में क्या ही करेंगे भाई है ना। तो अभी फिलहाल सीधा ऑफिस पहुंच चुके हैं, ऑफिस के नियर बाय है भाई, ओह रोड क्रॉसर्स, तो भाई ऑफिस के नियर बाय है। सो गाइस फाइनली अभी ना बहुत रात हो रही है और मतलब बहुत इन द सेंस भाई 11:15 का टाइम हो रहा है, और फिलहाल अभी निकले हैं अभी घर से है ना, तो कहाँ जा रहे हैं भाई? भाई एक्चुअल में एक छोटा सा काम है अपने को, काम यार भाई काम एक्चुअल में क्या होगा भाई, काम एक है यार छोटा सा ना, अपने को फ़ोन पिक करना है ना, तो फ़ोन अपने को ना यार ज़रूरी हो जाता है कई बार ना। देखो मुझे भी आपको दिखाना होता है GPS वगैरह तो और चीज़ों के लिए, तो वो फ़ोन पिक करने जा रहे हैं और उसको आगे
भाई डिस्क्लोज कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई, आपका भाई देखो निकल रहा है कल ट्रिप पर, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, जब शायद आप ये व्लॉग देख रहे होगे ना, तो अभी इसके बीच में एक व्लॉग और शेड्यूल्ड है, तो प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे, तब तक अगर आप इंस्टा पे आपने फॉलो किया हुआ है भाई, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वी विल बी एक्सप्लोरिंग गुड स्नो, है ना। तो आपका भाई ट्रिप पर जा रहा है भाई, और कहाँ जा रहा है इसके लिए स्टे ट्यून्ड, पहले इंस्टा पे फॉलो करो भाई, इंस्टा पे फॉलो करोगे लेटेस्ट अपडेट सारे आपके पास आते रहेंगे, है ना। तो अच्छी खासी स्नो एक्सप्लोर करेंगे, बड़ी मुश्किल से ना भाई मैनेज करके प्लान बनाया है, ऑल द लास्ट वीक आपको पता है भाई पूरा ट्रिप पर थे काफ़ी टाइम से, और उससे पहले भी मतलब बैक टू बैक 3-4 ट्रिप्स हो चुकी हैं, तो भाई वर्कलोड था, बट फिर भी एनी हाउ मैनेज किया आप लोगों के लिए, अपने लिए, क्योंकि भाई देखो स्नोफॉल हो रहा है और सीज़न का स्नोफॉल है भाई, ये मिस नहीं कर सकते, है ना। तो भाई अपने को जाना था ही, तो इसलिए फटाफट प्लान बनाया, वीकेंड है तो फटाफट से होके आते हैं, और शॉर्ट ट्रिप रहेगा, देखो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया वर्कलोड है और काफ़ी टाइम से ट्रिप 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 चल रहा है, तो थोड़ा सा भाई देखो भाई लिटिल बिट भाई देखो यूट्यूब तो कुछ देता नहीं है, है ना, तो ब्रेड एंड बटर इम्पॉर्टेंट है ना, तो भाई इसलिए शॉर्ट ट्रिप रहेगा, बट काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, बहुत सही मज़ा आने वाला है ना। और फिलहाल अभी बात करते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो भाई अपने को जाने भी आपको रोड दिखाऊंगा, बिल्कुल सुनसान हो चुके हैं भाई, ये देखो कई बार यू नो ऑफिस के लिए मैं ये वाला रूट लेता हूँ, तो भी आपको शायद आइडिया हो अगर आप व्लॉग पहले से देख रहे हो ना, और देखो भाई कितना सुनसान है, कोई भी नहीं है भाई यहाँ पे, हैं ये देखो भाई ज़बरदस्त भाई देख रहे हो, ये देखो भाई ज़बरदस्त। भाई एक चीज़ तो पता है बहुत सही हो चुकी है अब, है ना, ये देख रहे हो लाइट्स देख रहे हो भाई, ये इस तरीके की लाइट्स ना भाई आजकल सारी स्ट्रीट्स वगैरह में सब जगह लगा दी हैं, तो ये चीज़ बड़ी सही हो गई है भाई आजकल, है ना। ये एक गाड़ी अपने को दिखी है जब से घर से निकले, पहली या दूसरी गाड़ी होगी रेयरली जो अभी अपने को रोड पे मिली है भाई, काफ़ी ना धीरे चल रहे हैं, तो शायद कुछ हो रहा होगा। सो गाइस फोन वाला काम भी हो गया, और ये देखो भाई कल की तैयारी है ट्रिप की, देख रहे हो अभी लिया मैंने भैया से ये शॉप। सो गाइज एक चीज़ और आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना भाई, अपनी जो गाड़ी है ना यार वो देखो 4x4 नहीं है यार, क्रेटा में कहाँ ही 4x4 आता है भाई, है ना, मुझे तो एज पर माई नॉलेज तो नहीं आता भाई, अब आ गया हो लेटेस्ट मॉडल में तो भाई मैं कह नहीं सकता, बट मेरी एज पर माई नॉलेज क्रेटा में नहीं आता भाई, तो भाई 4x4 आता नहीं है, बट मैं स्नो में जा रहा हूँ तो भाई 4x4 गाड़ी तो होनी चाहिए भाई, जो मेरी दूसरी गाड़ी है वो भी फ्रंट व्हील ड्राइव है यार, अब आप लोग कमेंट करके बताओ यार अपने को 4x4 में अपडेट करनी चाहिए या नहीं अपनी गाड़ी, ऑल दो देखो यार कभी कभार इतना यूज़ होता है, ऑल दो इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, बट फिर भी यार देखो होना चाहिए, एक लैग है ये बहुत बड़ा, है ना, आप कमेंट करके बताओ भाई कि होना चाहिए या नहीं अपडेट, और करना चाहिए अपडेट तो भाई किस में अपडेट करें, दोनों चीज़ बताना ज़रूर, आई विल वेट फॉर इट। फिलहाल अभी घर पहुंच चुके हैं भाई, और सारी ना पैकिंग वगैरह डन कर दिया, बट भाई बहुत लेट हो गया है, अगर टाइम आपको दिखाऊं ना भाई ऑलमोस्ट आप लगा लो भाई सुबह हो जाएगी अब तो थोड़ी देर में, और भाई अपने को थोड़ी देर में निकलना भी है, तो अभी फटाफट लेटेंगे और नींद वगैरह लेंगे और फिर चलेंगे। फिलहाल आपको दिखा दूँ कितनी पैकिंग करी है आपके भाई ने जल्दी, भाई ये देख लो ये तो पूरा पैक्ड है, ठीक है, ये जैकेट वगैरह उसके नीचे शूज़ ये पिलो वगैरह सारी चीज़ें ऑल सेट। सो फाइनली विल कैच यू इन द न्यू व्लॉग, और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा है आपको आपके भाई का, तो भाई प्लीज़ गिव इट अ लाइक, चैनल पे अगर नए हो गाइस तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल भाई, और मिलता हूँ कल दोबारा आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में ट्रिप वाले में, टिल देन स्माइल कीपिंग योर लाइफ 05 आपके भाई की इंस्टा आईडी, जल्दी से जाके फॉलो कर लो, लेटेस्ट अपडेट वहीं पर मिलेगा कि कहाँ ट्रैवल हो रहा है।